नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी रेसिपी है दाल मखनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी रेसिपी। एक कप काले उड़द, 3 चम्मच चने की दाल और 3 चम्मच राजमा को मैंने रात को भिगो दिया था, और आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 5 सीटी लगवा लूँगी इसमें। और यहाँ पे मैंने मक्खन मेल्ट होने के लिए रख दिया है, 3 चम्मच मक्खन लिया है मैंने। तो जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ लहसुन। लहसुन यहाँ पे भुन चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। 3 मीडियम आकार के टमाटर लिए थे मैंने, उसकी प्यूरी बना करके तैयार कर ली है, तो वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि नमक मैं पहले ही दाल में डाल चुकी हूँ, तो जितना ग्रेवी के लिए चाहिए मैंने इसमें उतना ही डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर के 10 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे पकाएंगे, जब तक कि इसके ऊपर इस तरीके से ये घी नहीं आ जाता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक साइड में रख देते हैं। और अब हम कुकर को रख लेंगे इसी गैस के ऊपर, तो हमारे दाल वगैरह सब गल चुकी है। तो अब इसे ये ग्रेवी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे दाल में। और अब हम ढक करके दाल को 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे। और अब हम इस तरीके से मथानी से दाल को फेंट लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम दाल में 1 चम्मच मक्खन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 2 चुटकी डालूंगी मैं इसमें गरम मसाला, और 3 चम्मच इसमें मैं दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ। और बस अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो दाल हमारी बनकर के तैयार है, इसे हम सर्व करते हैं। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर पे ये टेस्टी रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही में दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें कीजिए।